नमस्कार दोस्तों, गरिमा सिंह चंदेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने लॉकडाउन के समय का यूज़ करते हुए वर्कशीट की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको मैथ्स की कुछ वर्कशीट दिखाई हुई थी और इस बार मैं आप सभी के लिए लाई हूँ इंग्लिश की वर्कशीट। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की वर्कशीट बनाने के लिए मैंने स्टार्ट किया है ए साउंड वर्ड से और ए साउंड राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स जैसे कि यहाँ पर एफ ए टी फैट, एम ए टी मैट, एच ए टी हैट, आर ए टी रैट, इस तरीके से ये एक व्हील बना दिया गया है और बच्चे इसी से स्पेलिंग बनाकर और यहाँ पर उसको फिलअप करेंगे। तो ये थे हमारे ए टी साउंड वर्ड्स के लिए वर्कशीट। अब इसके बाद हमारी सेकेंड वर्कशीट है, सेकेंड वर्कशीट जो कि ए एन साउंड के लिए हमने बनाई है और इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे वी ए एन वैन, एफ ए एन फैन, पी ए एन पैन। आसानी से बच्चे चित्रों को देखेंगे और यहाँ से स्पेलिंग्स बनाकर खुद से लिखेंगे तो साथ में उन्हें स्पेलिंग लर्न भी होती जाएंगी। इसके बाद हमारी थर्ड वर्कशीट है ए पी साउंड के लिए। ए पी साउंड के लिए 5 वर्ड्स मैंने लिखे हैं क्योंकि सी ए पी कैप, जिनको बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, एम ए पी मैप, एल ए पी लैप, एन ए पी नैप एंड टी ए पी टैप। तो ये थे हमारे ए पी ए टी एंड ए एन साउंड के लिए वर्ड्स। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट में मैंने ए साउंड वर्ड ही लिखे हुए हैं लेकिन अलग अलग ना करके यहाँ पर सभी को एक ही में मिक्स कर दिया है। नीचे स्ट्रॉबेरी जो ड्रॉ की हुई है इसमें कुछ नए वर्ड्स भी इंक्लूड किए हैं जैसे डी ए एम डैम, एल ए डी लैड, जी ए एस गैस, जे ए एम जैम और बाकी तो ये पहले वाले ही हैं। तो इससे बच्चे नए वर्ड्स भी सीख सकेंगे और ए साउंड वर्ड्स को आसानी से उन्हें सिखाने में इन वर्कशीट से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब चलते हैं हम अपने क्रॉसवर्ड वर्कशीट की तरफ और ये क्रॉसवर्ड बनाई है कलर्स नेम के लिए। कलर्स नेम को सिखाने के लिए हम जनरली कई तरीके यूज़ करते हैं बट उनकी स्पेलिंग्स को सिखाने के लिए यहाँ पर ये क्रॉसवर्ड यूज़ किया गया है। तो इसमें साथ में स्पेलिंग्स यहाँ पर लिख दी गई हैं क्योंकि छोटे बच्चे अगर स्पेलिंग उनको नहीं याद हैं तो वो इसमें इंटरेस्ट फिर नहीं लेंगे, इसलिए स्पेलिंग अगर सामने होंगी तो वो आसानी से इसको फिलअप करेंगे और खेल खेल में वो लर्न कर सकते हैं इनको। इंग्लिश की वर्कशीट में ही अगला जो वर्कशीट बनाया हुआ है वो यूज़ ऑफ दिस और दैट के लिए है। जैसे हम आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनके लिए हम दिस यूज़ करते हैं और जो चीज़ें हमसे थोड़ा सा दूर होती हैं उनके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर सेंटेंस के पास में बनी चीज़ों के लिए दिस यूज़ करेंगे और जो चीज़ें सेंटेंस से थोड़ा सा दूर बनाई गई हैं वहाँ पर दैट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर है डैश इज़ अ बॉल, तो बॉल सेंटेंस के बिल्कुल पास में बनी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर बच्चे क्या फिलअप करेंगे, दिस, टी एच आई एस, दिस। नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्री है इस सेंटेंस के थोड़ा दूर बनाया गया है इसलिए यहाँ पर फिलअप करना है दैट। इसी तरीके से ये सारी एफ आई बीज आपको बच्चों को करानी है और जब वो अच्छे से दिस और दैट के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप उन्हें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए भी ईजिली दे सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली वर्कशीट है प्रपोजिशंस के लिए। प्रपोजिशंस में हम जनरली बच्चों को सबसे पहले इन, ऑन और अंडर सिखाते हैं, तो ये वर्कशीट हमारी इन्हीं 3 प्रपोजिशंस को लेकर है। यहाँ पर कुछ इमेजेस बना दी गई हैं, 3 इमेजेस ड्रॉ की हुई हैं और लिखा है अ काइट ऑन अ ट्री। अब देखिए यहाँ पर ये ट्री ड्रॉ है और इसके ऊपर एक काइट बनी है, तो बच्चे और ये एरो बनाकर यहाँ पर ऑन लिख दिया गया है, पेड़ के ऊपर पतंग है इसलिए यहाँ पर ऑन है। इसी तरीके से इसमें ये जो बच्चा है ये पुल के अंदर है, अ बॉय इन अ पुल, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के जब अंदर होगी तो हम यूज़ करेंगे इन। फिर यहाँ पर एक टेबल है और नीचे उसके बॉल बनी हुई है, अ बॉल इज़ अंडर द टेबल, जो बॉल है वो मेज के नीचे है, तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होगी तो हम यूज़ करेंगे अंडर। अब इन्हीं 3 प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ एफ आई बीज यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको बच्चे चित्र देखकर यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन एंड अंडर, अ कप इज डैश द बुक, कप कहाँ पर है, बुक के ऊपर है, ऊपर के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन, ऊपर के लिए क्या यूज़ करना है, ऑन, तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा, ऑन। अ मैन इज डैश अ वैन, मैन कहाँ पर है, वैन के अंदर है यानी कि इन, अंदर जब कोई चीज़ होती है तो क्या यूज़ करते हैं, इन।
अ मैन इज़ इन अ वैन, इसी तरीके से ये सारे एफ आई बीज हो जाएंगे और बच्चों को इन, ऑन और अंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हमें आसानी भी होगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा है कि आप सभी अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल कर रहे हैं, साथ में उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो आगे मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।